हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सीजी स्पोर्ट न्यूज में। एंड गाइज, दुर्गेश निकाम को ऐसे कौन से खिलाड़ी है जिसकी वजह से खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन उसी पे आज बात करने वाले हैं। एंड वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े खिलाड़ियों को आपके बीच में लाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आपने नोटिस किया होगा कि दुर्गेश निकाम को स्टार्टिंग सेवन में भी कुछ मैचों से नहीं रखा गया था, लेकिन जो दबंग दिल्ली वर्सेज यूपी उदा के मैच है उसमें दुर्गेश निकाम खेले थे। एंड दुर्गेश निकाम को गाइज रेड डालने का मौका सिर्फ यू मुंबा के खिलाफ ही मिला था। एंड पिछले मैच में जो दबंग दिल्ली वर्सेज यूपी उदा के मैच है उसमें एक रेड डालने का मौका मिला, जिसमें भी वो ज़्यादा प्रयास नहीं किए थे। एंड दुर्गेश निकाम को ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से या डिफेंस की वजह से ही दुर्गेश निकाम को खिलाया जा रहा है। एंड रेडिंग का जो संभावना है वो उनको नहीं दे रहे हैं, एंड रेड डालने का मौका भी ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गाइज, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसकी वजह से दुर्गेश निकाम को ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है। एंड आपको भी पता होगा कि दुर्गेश निकाम को डिफेंस की भूमिका से ही हमें खिलाते हुए नजर आते हैं, एंड उनको रेड का मौका नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर ऑलराउंडर प्लेयर रोहित तोमर को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। एंड दुर्गेश निकाम के लिए यही खिलाड़ी जो है उसके ले लिया, क्योंकि गाइड यहाँ पर जो कोच है वो जानते हैं कि जो रोहित तोमर है वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एंड पिछले साल अपना डेब्यू किया था, एंड पिछले साल यूपी उदा की ओर से खेले भी थे और अच्छे प्रदर्शन कर भी रहे हैं इस साल। एंड गाइड वहीं पर दुर्गेश निकाम के ऊपर दो तीन मैच में भरोसा दिखाया था, देन वहीं पर गाइज वे टीम के सामंजस्य बनाना चाहते थे, इसलिए दुर्गेश निकाम को पहले मैचों में खिलाया था। लेकिन मुद्दा यह आता है गाइज कि दुर्गेश निकाम को ज़्यादा मौका नहीं दिया गया है, जो यू मुंबा के खिलाफ ही उसमें दो तीन रेड डालने का मौका मिला था, एंड उसमें भी गाइज दुर्गेश निकाम दो अनसक्सेसफुल रेड किए थे, एंड एक में गाइज दो पॉइंट लाए थे। एंड आपको भी पता होगा कि यूपी उदा की ओर से सुरेंद्र गिल और प्रदीप नरवाल मेन रेडर हैं और इनको ही ज़्यादा मौका दिया जाता है, एंड दुर्गेश निकाम को इसीलिए कम मौका मिलता है। एंड तीसरे नंबर पर रोहित तोमर आ जाते हैं गाइज, जो कि अच्छे रेड कर रहे हैं, इसलिए उसको भी जगह दी जाती है। एंड चार रेडर तो एक टीम में नहीं खेल सकते हैं, देन इसी वजह से दुर्गेश निकाम को मौका नहीं मिल रहा है। यूपी वर्सेस दिल्ली के मैच में गाइज दुर्गेश निकाम को मौका मिला था, क्योंकि जो सुरेंद्र गिल है उनको नहीं खिलाया गया था, देन उसी की वजह से दुर्गेश निकाम तीसरे रेडर के रूप में खेले थे। दुर्गेश निकाम को खेलने का मौका नहीं मिलने का कारण ये है गाइज कि उनके जो टीम में जो यूपी उदा की टीम है उसमें एक्सपीरियंस प्लेयर ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं, चाहे वहीं पर प्रदीप नरवाल की बात हो, चाहे सुरेंद्र गिल की बात हो, चाहे बात वो रोहित तोमर की, चाहे वो एक साल का इसे एक्सपीरियंस है प्रो कबड्डी लीग में। एंड वहीं पर नितिन तोमर और जेम्स कॉमेती को भी मौका दिया जाता है कभी कभी, एंड पिछले मैच में गाइज जेम्स कॉमेती को मौका मिला था। एक्सपीरियंस प्लेयर के कारण ही गाइज दुर्गेश निकाम को ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है, और वहीं पर बात करें तो रोहित तोमर भी एक ऐसे कारण है जो दुर्गेश निकाम को जगह नहीं मिल रही है। उम्मीद करते हैं गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड मिलते हैं नए वीडियो में।